XYZ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन गुरुग्राम। XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेटा गुरुग्राम में। इट्स टारगेट प्रोडक्शन इज 2 लाख यूनिट्स पर ईयर। इसका टारगेट क्या रहता है? टारगेट रहता है कि 2 लाख यूनिट्स तो पर ईयर बननी चाहिए, ठीक है, 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाए पर ईयर। आगे बेटा क्या लिखा है? ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर इन दिस कंपनी। अब ये लेबर टर्नओवर क्या होता है? लेबर टर्नओवर मतलब बेटा वर्कर्स का कंपनी को छोड़कर चले जाना। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि इस कंपनी में लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है एंड टारगेट कितना है? टारगेट है बेटा 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, इन अ ईयर। यस, पर ईयर बेटा 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना। तो ड्यू टू हाई लेबर टर्नओवर, क्योंकि लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, वर्कर्स कंपनी को बेटा छोड़कर जा रहे हैं इन दिस कंपनी। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कि है 2 लाख यूनिट्स बनाना पर ईयर, द मैनेजर हैज टू हायर पार्ट टाइम लेबर। तो मैनेजर ने क्या किया बेटा? मैनेजर ने पार्ट टाइम लेबर को हायर किया। पार्ट टाइम लेबर कौन से वर्कर्स होते हैं बेटा? वो वाले वर्कर्स होते हैं जो फुल टाइम के लिए हायर नहीं किए जाते, कुछ ही आवर्स के लिए, मतलब पूरे 8 आवर्स के लिए हायर नहीं किए जाते। जैसे किसी को 3 आवर्स के लिए हायर कर लिया, किसी को 4 आवर्स के लिए हायर कर लिया, ये होता है पार्ट टाइम लेबर। तो मैनेजर ने क्या किया बेटा? पार्ट टाइम लेबर को हायर कर लिया एंड ऑन एंड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ऐसे पार्ट टाइम लेबर से काम चलता रहा। विच नॉट ओनली रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, जिससे कि वेस्टेज हुई मटेरियल्स की, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्टिंग भी बढ़ गई, मतलब कंपनी का खर्चा बढ़ गया बेटा लेबर को हायर करने का, वो भी इंक्रीज हुआ। एंड मटेरियल कॉस्ट भी क्या हुई? इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह भी क्या हो गए बेटा? बढ़ गए, क्योंकि ये जो न्यू लेबर थी ये ढंग से मटेरियल को यूज नहीं कर रही थी, तो वेस्टेज हो रहे थे मटेरियल्स के कंपनी में। तो बेटा कॉस्टिंग कंपनी की क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, लेबर कॉस्ट भी मटेरियल कॉस्ट भी। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई थी कंपनी की? बढ़ गई थी बेटा, खर्चा इंक्रीज हो गया था। हाउएवर द मैनेजर इज एबल टू मीट द टारगेट प्रोडक्शन, जबकि मैनेजर ने टारगेट प्रोडक्शन तो अचीव कर ली थी, 2 लाख यूनिट्स बनानी थी ना बेटा पर ईयर, 2 लाख यूनिट्स बना पा रहे थे, लेकिन एट अ हायर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी, देयरफॉर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी क्या हो गई थी बेटा? इंक्रीज हो गई थी। इज द मैनेजर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? गिव रीजन इन योर आंसर, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बेटा क्या अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या मैनेजर इफेक्टिव है? बेटा टाइम पर काम तो कंप्लीट हो गया, टारगेट तो अचीव कर लिया, सो यस द मैनेजर इज इफेक्टिव। आप बोलेंगे यस द मैनेजर इज इफेक्टिव बिकॉज ही इज एबल टू कंप्लीट द टारगेट ऑन टाइम, टाइम पर टारगेट तो अचीव कर दिया। एंड एफिशिएंट? नो, द मैनेजर इज नॉट एफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट द टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड कॉस्ट। कॉस्टिंग इंक्रीज करके बेटा उसने क्या किया? टारगेट को अचीव किया। वेस्टेज हो रही थी रिसोर्सेज की टारगेट को अचीव करने के लिए, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, तो बेटा मैनेजर एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। सो ये रीजंस हम दे देंगे। तो आई होप आपको बेटा आ गया होगा रीजन लिखना। द मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, एज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट ही यूज्ड मोर इनपुट सच एज मटेरियल एंड लेबर।